स्टेट टाइम्स की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी द्वारा पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला डोडा में पेश आया एक बड़ा सड़क हादसा। गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की हुई मौके पर मौत, 5 लोग घायल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को जम्मू में रैली को करेंगे संबोधित। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भलेसा में रैली को किया संबोधित। इस मौके पर उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए कई राजनीतिक दलों की आलोचना की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में रैली को संबोधित किया, कहा कि सिर्फ भाजपा ही जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव ने रामबन जिले में बनिहाल और संगलदान के बीच रेलवे लाइंस और स्टेशन का लिया जायजा। सुरक्षा बलों द्वारा जिला रियासी में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया, साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा पार से होने वाली किसी भी आतंकवादी हलचल का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि आतंकवादी नियमों से नहीं खेलते, इसीलिए उनके प्रति देश में कोई भी नियम नहीं होना चाहिए। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।